भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी शादियां रजिस्टर करानी होती हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं। जानकारी नहीं होने के कारण लोग ठगे भी जाते हैं। इस वीडियो में आपको हम मैरिज सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन से लेकर और कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब देंगे। वैसे तो मजिस्ट्रेट ऑफिस या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी को रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने के कई फायदे हैं। आधा काम तो घर बैठे मिनटों में पूरा हो जाता है। बस आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन ज़रूरी दस्तावेज और विटनेस के तौर पर 3 लोगों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है और सर्टिफिकेट लेना होता है। वहाँ अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और लगे हाथों सर्टिफिकेट दे देंगे। आइए पूरी प्रक्रिया जानते हैं। कई लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि शादी रजिस्टर कराएं कहाँ पर, जहाँ शादी हुई है क्या वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा? इसका जवाब है नहीं। नियमों के मुताबिक दंपति जहाँ के रहने वाले हैं, मतलब उनके आधार कार्ड पर जो भी पता दर्ज है, उनमें से उन दोनों शहरों में से कहीं पर भी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक दंपति की शादी राजस्थान में हुई है। युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और युवती दिल्ली की रहने वाली है। ये दंपति दिल्ली या MP दोनों में से किसी भी जगह पर अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। ID कार्ड में जो पता लिखा होगा उस इलाके के मजिस्ट्रेट ऑफिस या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर दंपति शादी रजिस्टर करा सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। ज़्यादातर राज्य सरकारों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा दे रखी है। राज्यों के मेन सरकारी पोर्टल पर यह सुविधा आपको मिल जाएगी। अगर लिंक ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा, उसमें ज़्यादातर राज्य सरकारों की पोर्टल की लिस्ट भी मिल जाएगी। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर। जिस राज्य में शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं वहाँ के सरकारी पोर्टल पर जाइए। पोर्टल पर पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते ही पोर्टल पर सेवाओं की एक लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से मैरिज सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन ढूंढकर उसे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपसे ID प्रूफ मांगा जाएगा। ID प्रूफ के नाम पर आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर और पासवर्ड भरते ही आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब शुरू होगा एप्लीकेशन भरने का काम। सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज के विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने वाले कपल और उनके विटनेस को लेकर भी कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे नाम, पता, आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह। विवाहित जोड़े की शादी की तस्वीरें और शादी कार्ड की फोटो भी अपलोड करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट संदीप मिश्रा बताते हैं कि शादी की फोटो देते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शादी की ऐसी फोटो दें जिसमें दंपति कोई रस्म करते हुए नजर आ रहे हों। फोटो फेरे लेते हुए हो सकती है या फिर सिंदूर लगाते हुए समय की हो सकती है। लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि शादी होने के बाद कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देरी से रजिस्ट्रेशन कराने पर क्या कोई लेट फीस भी लगती है? इसका जवाब भी जान लेते हैं। एडवोकेट संदीप मिश्रा ने बताया है कि शादी रजिस्टर कराने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, इसलिए लेट फीस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। रजिस्ट्रेशन की कोई सीमा नहीं होने की वजह से लोग सालों बाद भी मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंचते हैं। ऐसे में ओरिजिनल शादी का कार्ड देना काफ़ी मुश्किल काम होता है। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास शादी का कार्ड नहीं है तो जिस पंडित, पादरी या फिर काजी ने आपकी शादी कराई है उससे एक कागज़ पर लिखवा लें कि उन्होंने आपकी शादी कराई है। कार्ड की जगह पर यह सर्टिफिकेट पूरी तरह से मान्य होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक फीस देनी पड़ सकती है। हर राज्य में ये फीस अलग अलग है। एडवोकेट संदीप ने बताया कि दिल्ली में सामान्य मैरिज सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये लगते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो और तत्काल रूप से मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो आप तत्काल कोटे में आवेदन कर सकते हैं। तत्काल कोटे में आवेदन वाले दिन ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, इसके लिए अलग से 10,000 रुपये देने होंगे। ध्यान रहे कि ये फीस दिल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए है। हर राज्य में ये फीस अलग अलग हो सकती है। ये सारी जानकारी भरते हुए आप फॉर्म के आखिर में पहुंचेंगे तो आपसे अपॉइंटमेंट की तारीख पूछी जाएगी। आमतौर पर 15 से 20 दिनों के बाद के लिए तारीख मिलती है। तारीख चुनने के बाद आप सबमिट का बटन दबा दें। फॉर्म जमा होते ही आपको एक ऑनलाइन रसीद मिलेगी और इस रसीद को भी सेव करके रख लें, क्योंकि इसमें एक ऐसा नंबर होता है जिसके जरिए आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब अपॉइंटमेंट की तारीख वाले दिन SDM या फिर मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाना होगा। उस दिन आपको जरूरी कागजात और 3 विटनेस साथ में ले जाने होंगे। ये विटनेस आपकी शादी का गवाह होंगे। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी राज्यों में कॉमन है। इनमें पति और पत्नी दोनों की तरफ से साइन किया हुआ मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके अलावा विवाहित दंपति का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि युवक की उम्र 21 साल और युवती की उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा दंपति की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और उनका निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। कई राज्य विटनेस के पैन कार्ड की डिटेल भी मांगते हैं। दरअसल
पैन कार्ड एक ऐसा इकलौता डॉक्यूमेंट है जिस पर नागरिक का साइन भी होता है। अधिकारी पैन कार्ड पर जो साइन है उसके जरिए ये चेक करते हैं कि पैन पर साइन करने वाला इंसान और जो शख्स विटनेस बनकर आया है वो दोनों एक ही व्यक्ति है। अधिकारी से कागज वेरीफाई होते ही आपको तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा नाम है उपासना और पर्सनल फाइनेंस यूटिलिटी से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया।